अफसर तंजील अहमद के हत्यारों का कोई सुराग जांच एजेंसियों को अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन एक सीसीटीवी और उस शादी का वीडियो जांच एजेंसियों को मिल गया है जिस शादी से तंजील अहमद हत्या के वक्त लौट रहे थे। इस वीडियो से कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एनआईए अफसर तंजील अहमद का आखिरी वीडियो, शादी का वीडियो देगा साजिश का सुराग। इस वीडियो में छिपा है हत्यारों का राज। वीडियो में दिख रहा टी शर्ट और चश्मा पहने लंबे कद का शख्स तंजील अहमद है। भांजी की शादी की इस रस्म रुपट्टा ओढ़ाई के बाद बारात आई और फिर निकाह के बाद तंजील अहमद अपने बच्चों और पत्नी के साथ अपनी वैगनआर कार में बैठकर घर को रवाना हुए, लेकिन रास्ते में बाइक सवार दो हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वो लोग थे एक बाइक पे, वो लोग आगे से आए, हमारी गाड़ी को देखकर पीछे यूटर लिया और पापा वाली साइड पे आके पीछे वाले ने शूटिंग करी। जब शीशा टूटा तो पापा की कंट्रोल खो गया। तंजील अहमद को 24 गोलियां मारी गई थी और उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। तंजील अहमद की पत्नी को 4 गोलियां लगी और वो इस वक्त नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। एनआईए अफसर तंजील के हत्यारों की तलाश में पुलिस शादी के इस वीडियो को खंगाल रही है और खंगाल रही है वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें दिख रहे हैं दो बाइक सवार। ये फुटेज बिजनौर के एक स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे का है। वो स्कूल हमले वाली जगह से 9 किलोमीटर दूर है। शनिवार रात 1:09 का ये फुटेज है और इसके कुछ ही देर बाद ही तंजील अहमद की बाइक सवार दो हमलावरों ने हत्या कर दी थी। जांच टीमें इस फुटेज के आधार पर कोई सुराग निकालने में जुटी हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि ये बाइक सवार हमलावर हो सकते हैं। इसके साथ ही बिजनौर के उन 53 फोन नंबरों को इस्तेमाल करने वालों की भी पड़ताल हो रही है जिन पर बिजनौर में तंजील अहमद के मर्डर के वक्त बातचीत चल रही थी। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि शायद इनसे कोई अहम सुराग मिल जाए, क्योंकि इनमें से कई नंबर एक हफ्ते के अंदर ही एक्टिवेट हुए हैं। पुलिस तंजील अहमद की हत्या की खबर 100 नंबर पर देने वाले आलम नाम के एक शख्स की भी तलाश कर रही है जिसका मोबाइल फोन अब बंद मिल रहा है। एनआईए अफसर तंजील अहमद के मर्डर के पीछे जांच एजेंसियां आतंकी नेटवर्क के एंगल को भी खारिज नहीं करती, क्योंकि तंजील अहमद जब बीएसएफ में थे तो वो वहां खुफिया विभाग में काम करते थे। पठानकोट हमले की जांच में भी उनसे मदद ली गई थी। तंजील अहमद ने पश्चिमी यूपी में सीमी और आईएम के नेटवर्क को तोड़ने में काम किया था। जनवरी में ही पश्चिमी यूपी में आईएसआईएस का भी एक मॉड्यूल पकड़ा गया था। गांव वालों से बातचीत की है और जहाँ ये काम करते थे उस जगह के सारे पहलुओं को देखा जा रहा है और तुरंत इस पर कार्रवाई की जा रही है। करीब 6 टीमें फॉर्म हुई हैं, एटीएस की टीम लगी हुई है, एसटीएफ की टीम लगी हुई है, एनआईए की टीम आ गई और सभी जो लोकल पुलिस है वो भी लग गए इसमें। देखिए, अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, हम पर्सनल राइवलरी, प्रोफेशनल राइवलरी और सारे इश्यूज को हम लोग देखें। फिलहाल जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है कि वो जल्द से जल्द कोई अहम सुराग ढूंढकर तंजील अहमद के हत्यारों तक पहुंचे और इन हत्यारों के असली मकसद का पता लगाएं। अरविंद ओझा के साथ अरविंद, बिजनौर, आज तक। एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, Maintain this, huh? Hi, this is Kohli Berry.